आज मसाला किचन में बन रहे हैं गोभी आलू। आलू गोभी हो या गोभी आलू, जो भी आप कहते हैं, यूं तो हम डेली ही बनाते हैं, कई टाइप के बनाते हैं। कभी जीरे में भून के बना लेते हैं, कभी हम प्याज के साथ बना लेते हैं। लेकिन आज की जो ये रेसिपी बनाई है, इंग्रेडिएंट्स लगभग वही हैं, लेकिन बनाने का थोड़ा तरीका अलग है। इसको आप शादियों वाले गोभी आलू कह सकते हैं, हलवाई स्टाइल गोभी आलू कह सकते हैं, गोभी कोरमा कह सकते हैं। मैंने गोभी आलू बनाए हैं और बहुत ही अमेजिंग लगेंगे। आप सिर्फ इसी तरीके से आलू ही आलू बना सकते हैं या सिर्फ इसी तरीके से गोभी ही गोभी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें चाहिए क्या। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। इस तरीके से जब आप गोभी आलू बनाएंगे ना, तो घर में तो सब पसंद करते ही हैं, जो मेहमान आएगा वो भी तारीफ करेगा, कि वो सोचेगा कि आज गोभी आलू बहुत ही अमेजिंग लगे। तो क्या चेंज किया है हमने वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए, एक बड़ा सा फूल मैंने गोभी का ले लिया है, 2-3 आलू ले लिए हैं, प्याज ले लिए हैं, टमाटर ले लिए हैं, हरी मिर्च, अदरक और 3-4 कली लहसुन की। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मसाला नहीं लिया है। गोभी के फूल को हमने कट कर लिया है। एक साइड मैंने पानी गर्म कर लिया था, उबाल लिया था, उसमें थोड़ा हल्दी डाल दिया था, वो मैं इस गोभी के अंदर डाल देती हूँ। अब इसमें थोड़ा नमक भी डाल देती हूँ। ऐसा करके इसमें थोड़ी देर में छोड़ देती हूँ। इससे दो फायदे हैं, एक तो गोभी का कलर बढ़िया हो जाएगा, येलो कलर का। दूसरा, इसके अंदर अगर गोभी थोड़ा गंदा होगा या ऊपर से थोड़ा काला सा हो जाता है, वो साफ भी हो जाता है। तो ऐसा हमें ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारा गोभी साफ हो जाए। 15 मिनट बाद जब मैंने गोभी को चेक किया तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने पहले भी वॉश किया था गोभी को, अभी भी इस पानी से निकाल लेती हूँ और एक छन्नी में रख देती हूँ। अब मैं एक ले रही हूँ पैन, जिसमें थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ। अब ये जो फूल हैं, इन्हें हमें थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, लाल रंग का नहीं करना है, बस कच्चेपन का फ्लेवर हटाना है हमें। 3-4 मिनट हमें इस तरीके से उसे फ्राई करना है। और एक बात का ध्यान रहे, गोभी को बहुत बारीक नहीं करना है। जब हम शादियों वाली सब्जी खाते हैं ना, या हलवाइयों वाली, तो वो ऐसे मोटे मोटे पीसेस होते हैं, आलू के भी गोभी के भी। बस इतना ही फ्राई करना था। अब मैं इस गोभी को निकाल लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पर जो 3 आलू लिए हैं, उनको मैंने छील लिया है, वॉश कर लिया है। अब मैं एक आलू के 4-4 पीस लंबाई में कर लेती हूँ। अब क्योंकि ये आलू कच्चे हैं, तो हमें इसे फ्राई तो करना है, लेकिन इसके लिए हमें जब फ्लेम है स्लो कर देना है, जिससे ये आलू अंदर तक सॉफ्ट हो। गोभी तो थोड़ी देर पानी में ही सॉफ्ट हो गई और थोड़ी देर हमने फ्राई कर लिया, बाकी की बची हुई जो कसर है वो बाद में सब्जी में वो सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन आलू का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसी ऑयल में मैंने आलू डाल दिए और इसे डालकर मैं थोड़ा ढक कर इसे मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ। हमें हमेशा मौसम की सब्जियाँ ज़रूर खानी चाहिए। वैसे तो ये सब्जियाँ अक्सर हमें 12 महीने मिलती हैं, लेकिन जो मौसम वाली सब्जियाँ होती हैं ना, उसका टेस्ट अलग ही होता है। बीच बीच में इस तरीके से आलू को चेक भी करते जाइए और उल्टाइए पलटाइए, जिससे सब तरफ से वो थोड़े पक भी जाएँ और सॉफ्ट भी हो जाएँ। इस तरफ मैंने क्या किया है, टमाटर को ग्राइंड कर लिया है, हरी मिर्च हैं 2 और अदरक का टुकड़ा है। अब मेरे पास है खूब सारा हरा धनिया, धनिया ले सकते हैं, और साथ में मैंने ले लिया है पुदीना, उसे बारीक साफ कर लिया है, प्याज को मोटा मोटा कट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आलू जब चेक कर रही हूँ तो बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। जब आलू सॉफ्ट हो जाए तो टेंशन हमारा ख़त्म हो गया। चलिए अब इसे एक तरफ रख देते हैं। इसी ऑयल में जो मोटा कटा हुआ प्याज था वो हम डाल देते हैं। इसमें लहसुन भी डाल दिया 4 कली, मोटा कटा हुआ अदरक डाल दिया और 2 हरी मिर्च भी डाल दी। थोड़ा पकाएंगे इसे। ये सब्जी बहुत ज़्यादा ग्रेवी में नहीं बनेगी, लेकिन ये सेमी लिक्विडी सब्जी जो बनेगी हलवाइयों वाली, बहुत ही अमेजिंग बनेगी। आप चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाएंगे, बहुत पसंद आएगी। अब हमें इन प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना था, हल्का सा पकाया, पूरे ऑयल को बचाते हुए एक मिक्सी के जार में डाल दिया, थोड़ा सा उसे ठंडा किया। उसके बाद काफ़ी सारा धनिया जो मैंने बारीक काट के वॉश करके रख लिया था, काफ़ी सारा
पुदीना, इसे भी मैंने वॉश करके रख लिया था। इन सब को मैं पीस लेती हूँ थोड़ा सा पानी डालकर, और हाँ इसकी एक बढ़िया सी ग्रीन पेस्ट बन जाएगी। अब यहाँ पर जिस कढ़ाई में हम सब्जी बनाने जा रहे हैं उसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। हमारी सब्जी तो ऑलरेडी फ्राई की हुई है, इसमें मैंने डाल दिया तेज पत्ता, जरा सी हींग और जीरा। इन दोनों तीनों को हम थोड़ा पकाएंगे। और हाँ एक बात और, आप इस पूरी सब्जी को ना सरसों के तेल में भी बना सकते हो, क्योंकि सर्दियों में सरसों का तेल हमें खाना चाहिए। 1/2 चम्मच डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच से बहुत कम डाल रही हूँ लाल मिर्च कुटा हुआ, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर। इन सब मसालों को मैं सेक रही हूँ। जैसे ही मसाले सिक जाएं मैं डाल रही हूँ टमाटर, जिसे मैंने ग्राइंड करके रखा था। अब मैंने सबको मिक्स कर दिया और स्वाद अनुसार पूरी सब्जी का नमक डाल दीजिए। सब्जी तो हम कई बार बनाते हैं, बस मैं आपसे बिगनर से यही कहूँगी कि सब्जी में जब भी हम टमाटर डालें तो टमाटर को पकाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टमाटर को पकाने में थोड़ी कसर छोड़ दी तो होता क्या है, टमाटर एक कच्चेपन का फ्लेवर देता है जो आपकी बनी बनाई सब्जी का स्वाद खराब कर सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए टमाटर को अच्छे से पकाइए। बाद में भले ही किसी भी सब्जी में आपको पानी डालना है डाल सकते हो, लेकिन टमाटर का पकना बहुत ज़रूरी है। जब टमाटर अच्छे से पक जाए, वो ऑयल छोड़ने लगे, तब आप ये ग्रीन वाला पेस्ट डाल दीजिए जिसमें आपने लहसुन डाला है, अदरक डाला है, हरी मिर्च और हरा धनिया, प्याज, पुदीना सब कुछ डाल दिया है। एक और बात, अगर आपके पास कभी कभी धनिया कम है या पुदीना नहीं है तो थोड़े पालक के पत्ते भी डाल सकते हो, बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब इन सब को भी वापस ढक के फिर से पकाइए अच्छे से। जब ये दोनों पेस्ट अच्छे से पक जाएं, तब आप डाल दीजिए इसमें गोभी, क्योंकि गोभी को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, थोड़ी गोभी में कसर है उसे सॉफ्ट होने के लिए, तो इसलिए पहले गोभी डालकर इसे ढक कर थोड़ी देर पकाएं। जब 2-4 मिनट बाद आपकी गोभी अच्छे से पक जाए, तब ये सॉफ्ट हो चुके आलू, जो फ्राई हो चुके थे आलू, वो हम डाल देते हैं। आलू मैंने पहले इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि वो सॉफ्ट हो चुके हैं, वो टूट सकते हैं। अब दोनों को मिक्स करके यहाँ पर आप डाल दीजिए कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आप अलग से तवे पर थोड़ा सा रोस्ट करके हाथों से क्रश करके डालें, जिससे उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। कसूरी मेथी का ये वक्त है, आप भी घर में सुखाइए। कैसे कसूरी मेथी बनाई जाती है उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, आप बनाइए और पूरे साल भर उसका एंजॉय कीजिए। अब फिर से 5 मिनट इस सब्जी को ढक कर पकाइए। इन मसालों के साथ जब ये सब्जी भुनती है तो बहुत ही बढ़िया बनती है। लास्ट में आप 1/2 कप करीब पानी डाल दीजिए। अब सब्जी ऑलमोस्ट तैयार है, बस इसे ढक के थोड़ी देर पकाना होगा, जिससे ये सारे मसाले इस गोभी आलू के अंदर चले जाएं और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर वाले ये गोभी आलू बन जाए। लीजिए ये तैयार है गोभी आलू बनकर। अब आप चाहें तो ऊपर से हरे धनिए से गार्निश कर दें, आप चाहें तो ऐसे ही खाएं। एक और बात, अगर मेहमान है घर में और आप बढ़िया से अपनी डिश को सर्व करना चाह रहे हैं, तब ऐसे में आप इसके ऊपर थोड़ा क्रीम या मलाई डाल सकते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला। अब ये सब्जी तैयार है। अब थोड़ी थोड़ी बात के लिए, मतलब थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए, हमारे पास क्रीम तो होती नहीं है, हम होटल की तरह सारा दिन तो नहीं रख सकते, लेकिन हमारे घर में मलाई ज़रूर होती है, तो 1 छोटा चम्मच मलाई लेकर घर में उसकी गार्निशिंग जब करेंगे ना, तो इस सब्जी पे 4 चांद लग जाएंगे। ऐसा लगेगा कि रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा सब्जी आपने अच्छी घर में बना ली है। तो बस इसी तरीके से सर्व कीजिए और क्रीम को सजा दीजिए।
इस गोभी के सीजन में आप ये गोभी आलू जरूर बनाइए और रोटी पराठे चावल किसी के साथ भी इंजॉय कीजिए। आपको यह सब्जी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप इसको क्या कहेंगे, गोभी कोरमा कहेंगे या शादी वाली गोभी आलू कहेंगे? मुझे तो शादी वाली गोभी आलू ये बहुत अच्छी लगती है। तो आप मुझे बताएं कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना कीजिए।